नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तोड़े हैं नियम। बता दें कि सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है और साथ ही राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा के तय निर्देशों का उल्लंघन किया है। बता दें कि राहुल ने 2020 से अब तक कई बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। यह लगातार सीआरपीएफ की तरफ से जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है। और बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली पहुंची हुई है और इसको लेकर लगातार राहुल गांधी पर सीआरपीएफ की तरफ से आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने नियम को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है और साथ ही 113 बार राहुल गांधी ने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही बता दें कि सीआरपीएफ की तरफ से गृह मंत्रालय को ये जानकारी दी है गई है। और बता दें कि 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, जिसको लेकर तमाम भीड़ देखने को मिले थे। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और साथ ही सोनिया गांधी मौजूद नजर आई थी। बता दें कि इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर अब सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल गांधी ने 113 बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नियमों को तोड़ा है। और साथ ही बता दें कि उनका ये भी कहना है कि इस दौरान राहुल गांधी ने कई बार नियमों को तोड़ते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि राहुल ने 113 बार सुरक्षा के तय नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ ने इसको लेकर बता दें कि गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी है। और राहुल ने 2020 से अब तक सुरक्षा के नियमों को कई बार वे तोड़ते हुए नजर आए। बताते कि भारत जोड़ो यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिली है, जिसके बाद से सीआरपीएफ ने ये बात कही है और गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद जुड़ गए हैं। सैयद, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से अब सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और तमाम यात्राओं के दौरान राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा के तय नियमों का उल्लंघन किया है। बिल्कुल सुनाली, आपको बता दें कि जिस तरीके से 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, दिल्ली के बदरपुर से जब एंट्री करी थी तो उसमें कई बार सुरक्षा में चूक नजर आई थी। खासतौर पर जब कांग्रेस की तरफ से एक पत्र गृह मंत्रालय को लिखा गया सुरक्षा को लेकर और उनसे कहा गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ की गई है, सुरक्षा जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं की गई, तो इसको लेकर गृह मंत्रालय को सीआरपीएफ ने जवाब दिया अपना। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा के चूक को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, जो आउटर सुरक्षा थी, बाहरी घेरा था सुरक्षा का, वो दिल्ली पुलिस के पास था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को कहा गया। तो सीआरपीएफ की तरफ से गृह मंत्रालय को जवाब दिया गया और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के लिए कहा गया कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही है सुरक्षा नियमों का पालन करवाने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास बाहरी घेरा था और बाहरी घेरा से तकरीबन जो यात्री चल रहे थे, जो भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ थी, वो राहुल गांधी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती थी, क्योंकि बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस के पास था, अंदरूनी घेरा जो होता है, क्योंकि ऐसे बड़े नेताओं की जो सुरक्षा लेयर होती है वो कई उसमें बांटी जाती है, कई लेयर में रहती है। तो इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से पत्र लिखा उसके बाद से गृह मंत्रालय ने इसका जवाब दिया, सीआरपीएफ ने इसका जवाब दिया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए था वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं कराया गया। दूसरी तरफ जब सुरक्षा घेरा, बाहरी सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास थी, तो दिल्ली पुलिस ने तय नियमों को पालन क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सीधे तौर पर आरोप जो लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया है कि जो उनका, आपको बता दें, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकलते हैं, जब वो चलते हैं, तो तीन लेयर में सुरक्षा होती है, एक इंटरनल उनकी सुरक्षा होती है, उसके बाद सीआरपीएफ होती है, उसके बाद प्रदेश की, जो जिस प्रदेश में वो यात्रा कर रहे हैं उस प्रदेश की पुलिस होती है। अगर बाहरी जो, और उनके आसपास एक डी बनाया जाता है, एक घेरा बनाया जाता है रस्सियों से, जो फोर्सेस के पास होता है, जो किसी भी अननोन अनजान व्यक्ति को उसमें इंटर नहीं किया जाने दिया जाता। तो दिल्ली में जब एंट्री की थी तब उसका बाहरी घेरा जो था, जो रस्सियों से डी बनाया गया था, उसका उसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास थी। तो दिल्ली पुलिस वहां पूरी तरीके से नाकाम नजर आई और उसी नाकामी का नतीजा था कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से ये कहा कि जो सुरक्षा में वो भारी चूक हुई है। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर एक सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सुरक्षा के नियमों को तोड़ा है,
लेकिन सैयद हम अगर पहले की बात करें तो कई यात्राएं ऐसी हुई है, कई रैलियां ऐसी हुई है नेताओं की जिसमें सुरक्षा के कई नियम तोड़े गए हैं, लेकिन उस समय इस बात को इतनी चर्चा नहीं की जाती है, इस बात को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। वहीं राहुल गांधी अब जब भारत जोड़ो यात्रा उनकी दिल्ली पहुंची है और जिसको लेकर इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, तो इस पर अब सियासत होना भी शुरू हो गया है। वहीं अब CRPF जो है यह कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी देते हुए नजर आई है। बिल्कुल सोनाली, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी अगर जिस तरीके से आंकड़ों की बात करें, CRPF ने गृह मंत्रालय को जो आंकड़े दिए हैं उसमें साफ तौर पर है कि 2020 से लेकर अब तक 113 मरतबा राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई, उन्होंने इस चीज का पालन नहीं किया, जो सुरक्षा नियम है उनका राहुल गांधी ने पालन नहीं किया। ये कोई राहुल गांधी के लिए बात नहीं, जब इस तरीके के बड़े नेता हों पब्लिक के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो मानक हैं वो पूरी तरीके से नहीं फॉलो हो पाते हैं। वो चाहे खुद प्रधानमंत्री की बात हो, प्रधानमंत्री कई बार देखे गए कि सुरक्षा घेरा तोड़ के वो पब्लिक के बीच पहुंच जाते हैं, तो उस तरीके की चीजें सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं है, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता हैं जो इस तरीके की चीजें उनके साथ हो चुकी हैं। तो सिर्फ राहुल गांधी पे निशाना साधना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित जरूर लग रहा है सोनाली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, ये पुलिस वहां के पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली इस भीड़ पर किसी ना किसी तरह से काबू पाया जाए, क्योंकि ये भीड़ एक तरह से बहुत ज्यादा की मात्रा में देखने को मिली थी। और जिस तरीके से CRPF की ओर से गृह मंत्रालय को ये जानकारी दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि भारत जोड़ो यात्रा पर इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका सैयद। और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर बता दें कि CRPF की ओर से गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है और कहा गया है कि राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा के तय नियमों को तोड़ा है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि 2020 से अब तक राहुल गांधी ने कई बार सुरक्षा के नियमों को वो तोड़ते हुए नजर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मान यानी कि NIA की अधिकारियों ने वीरवार को बता दी कि केरल में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI ने दूसरे दर्ज के नेताओं के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी की है। केरल पुलिस की सूत्रों ने बताया है कि बुधवार देर रात शुरू हुई छापेमारी अब तक जारी है। बता दें कि NIA की अगुवाई वाली कई जांच एजेंसी की टीम ने देश के आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में सितंबर में 15 राज्यों में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के शीर्ष नेताओं सहित कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने अब तक इस बड़ी कार्रवाई को PFI के खिलाफ अब तक के सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया था। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से जुड़ी साजिश के मामले में लेकर केरल में 56 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। जिन संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है उनमें कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साथ ही बता दें कि यह भी आरोप है कि PFI के कुछ कार्यकर्ता इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से मिल गए हैं। कृषि एवं कल्याण बता दें कि किसान कल्याण केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बलरामपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिले भर में आपको बता दें कि पन्ना प्रमुख के साथ बैठक की है और साथ ही लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की है। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर के आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं और साथ ही नेताओं का जीत का मंत्र दिया। इसके साथ ही केंद्र मंत्री ने देवी पाटन की माँ पाटवेश्वरी का दर्शन भी किया है। उसके बाद उन्होंने प्रदेश के नेता और साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद दिखाई दिए हैं। बलरामपुर जिला नीति आयोग के तहत आने वाले एक नीति महत्वाकांक्षी जिलों की एक है और साथ ही बलरामपुर जिले में जिला देश का 115 सबसे पिछड़े जिले में से शुमार होता है। बता दें कि यहां पर नीति आयोग भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम संस्थाएं मिलकर 18 बता दें कि इंट्रीकेशन
केटर पर काम कर रही है और बता दें कि जिसके तहत यहां पर निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है, ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके इसके लिए नई पहल में की गई और जिसमें जिले के सभी विकास खंभों पर खंडों के साथ ही अब लोगों के घर पर ही स्वास्थ्य सुविधा मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से मिलेगी। हंस फाउंडेशन की ओर जिला स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए 6 मोबाइल मेडिकल वैनों के सहारे अब जिले के दूरदराज इलाकों में चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और आज कलेक्टर परिसर में एक समारोह में जिला अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने 6 मोबाइल मेडिकल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर यह मेडिकल वैन को रवाना किया गया है। मेडिकल मोबाइल वैन में चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ, नर्स और साथ ही लेबोरेटरीशियन तैनात रहेंगे। वैन में सभी प्रकार के दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। हंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल वैन को जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा कलेक्टर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने वैन का निरीक्षण किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से दूरदराज के लोगों को घर बैठे चिकित्सीय लाभ मिल सकेगा। और इससे अल्टी की जांच से हमें ये पता चलेगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 1033 गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका स्टेटस भी पता रहेगा कि आयरन की गोली खाने से उनके एनीमिया का स्टेटस के ऊपर क्रॉस मॉनिटरिंग होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है हंस फाउंडेशन की तरफ से। इससे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के जो और इंडिकेटर्स हैं, तमाम इंडिकेटर, टीकाकरण जैसे है और आपका ये गर्भवती महिलाओं का स्टेटस, जब लाभार्थी के यहाँ ये एम्बुलेंस जाती है तो ये लोग जो है बड़े उत्साहित होते हैं कि सरकार के द्वारा योजनाओं में हंस फाउंडेशन के द्वारा घर घर के लोगों को सुविधा, उनके दरवाजे के ऊपर ये सेवा दी जा रही है। मोबाइल ये एम्बुलेंसेस हैं जो कि हंस फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा जनपद बदलापुर में उपलब्ध कराई गई है। कोलिन के द्वारा 9 एम्बुलेंसेस दी जानी है। आज 6 एम्बुलेंसेस का शुरुआत यहाँ पे किया गया जनपद में और बाकी 3 एम्बुलेंसेज भी ये शीघ्र यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। एम्बुलेंसेज शुरू कराने का मेन पर्पज ये है कि जो इनकी टीम है, जिसमें कि डॉक्टर होगा, फार्मासिस्ट होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, वो एम्बुलेंस पे बैठ करके गाँव में जाएगा और गाँव में जाकर के जहाँ पर कि हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर उन लोगों की स्वास्थ्य की नीड्स को कैटर नहीं कर पा रहा है, तो उस कड़ी में ये जुड़ने का एक महत्वपूर्ण काम करेंगे। और गाँव में जितने भी लोग स्वास्थ्य सेवाओं से अगर कोई वंचित हो जाता है, उसमें सरकार के सहयोग के लिए ये एम्बुलेंसेज और हंस फाउंडेशन के द्वारा एक सहयोगी प्रयास यहाँ पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की अचानक कल तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही बुलंद, आपको बता दें कि बुंदेलखंड के मोहबा वासियों के पास पहुंची तो मंदिरों में प्रार्थनाओं और साथ ही मजारों में दुआओं का दौर शुरू हो गया। मोहबा शहर के प्राचीन संकट मोचन श्री हनुमान धाम में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ ही हवन भी कराया। वहीं शहर के गरीब, बता दें कि दाता शाह की मजार में इकट्ठा हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री की मां की तबीयत के लिए सलामती की दुआ मांगी है। बता दें इस दुआ में आपको बता दें कि मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चे भी शामिल नजर आए हैं। वहीं सभी ने ईश्वर से उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए देखा गया है। क्या नाम है? रोहित अंसारी। क्या हो रहा है दरगाह में? जी, दरगाह में अभी सूचना मिली कि हमारे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी की तबीयत खराब है, इसलिए हम सारे मुसलमान भाई मिलकर अपने अल्लाह ताला से दुआ करें वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। संख्या मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, आवास योजना दी है, आयुष्मान कार्ड दिया है और इस कोरोना काल में फ्री राशन दिया है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग बहुत खुश हैं। इसलिए उनकी माता के लिए दुआ मांगी जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जी की तबीयत खराब हुई है और गुजरात के अहमदाबाद में अस्पताल में वो हॉस्पिटलाइज हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है, तो हम उनकी माता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंगबली महाराज जी के सामने कर रहे हैं। हवन का भी कार्यक्रम है, इसके पश्चात हवन भी करेंगे।
और बजरंगबली महाराज जी से हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वो दीर्घायु हों। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत साई आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलेज प्रशासन द्वारा 99% ANM और साथ ही GNM की छात्राओं को फेल कर दिया गया। वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा फेल किए जाने से आक्रोशित छात्राओं ने अलीगढ़ दिल्ली बता दें कि जीटी रोड को जाम करके हंगामा काटा है। बता दें कि छात्राओं का आरोप है कि जिन छात्राओं द्वारा रिश्वत के पैसे दिए गए थे उनके पास किया गया था, बाकी सभी छात्राओं को फेल कर दिया गया। वही पूरे मामले को लेकर आक्रोशित छात्राओं ने 2 घंटे तक अलीगढ़ दिल्ली पुलिस बता दी कि दिल्ली मुख्य मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा काटा है। घटना की सूचना पर बता दें कि ACM और साथ ही ASP के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और साथ ही छात्राओं को समझा बुझा कर शांत कराया गया। जानकारी देते हुए छात्राओं ने कहा है कि विद्यालय में 99% छात्राओं की विद्यालय प्रशासन ने फेल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में किसी भी छात्र या छात्रा की फीस निर्धारित नहीं है, जिससे जैसे भी सेटिंग होती है वे उसी तरीके से अपना एडमिशन करा लेते हैं। कुछ छात्राओं का आरोप है कि उनके द्वारा किसी को रिश्वत नहीं दी गई, इसलिए पिछले 3 वर्षों से उन्हें लगातार फेल किया जा रहा है। इस दौरान छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन छात्राओं से अक्सर बदसलूकी करता है, यही कारण है कि बदसलूकी से नाराज एक छात्रा आज आत्महत्या के लिए मजबूर भी हो गई थी। फिलहाल छात्राओं द्वारा हंगामे की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है, जिसके बाद से छात्राओं द्वारा जाम खुलवा दिया गया। एग्जाम में हमें सबको फेल करा है टोटल के सब लोग और मेरे को 0 दिया है। मेरा स्कोर पूछ सकते हो कि क्लास में मेरा कहना फिर भी मेरा 0 है। क्या कारण है इसका? मुझे नहीं पता क्या कारण है। ये पैसे ले रहे हैं, चुप चुप पैसे ले रहे हैं। स्कूल रिश्वत मांगी गई थी, नहीं दी है इसलिए फेल किया है। रिश्वत हमसे नहीं मांगी है, हमसे नहीं मांगे पैसे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमसे पैसे नहीं मांगे। लेकिन पूरी क्लास कैसे फेल हो सकती है ये बताओ पहले तो, 0 कैसे रखा गया है? 100% स्टूडेंट्स फेल है, बिल्कुल फेल है। बातचीत की आपने कॉलेज प्रशासन से? एक्चुअल में हम लोग यहाँ आए श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पता चला कि यहाँ बच्चियाँ बहुत नाराज हैं और सड़क पर खड़ी होकर के रास्ता जाम कर रही हैं। तो जब ये सूचना मिली तो मैं और ASP साहब यहाँ आए, बच्चियों से बात की, तो बच्चियों ने कहा कि यहाँ पर जो नर्सिंग के कोर्स चलते थे उसमें कहा कि क्लास में मैक्सिमम बच्चे फेल कर दिए गए। और बच्चियों का आरोप ये भी था कि सर हमने एग्ज़ाम बड़े अच्छे से दिया और हमने कॉपी बहुत अच्छे से लिखी, लेकिन उसके बाद भी हमें नंबर नहीं मिले। किसी ने कंप्लेंट की कि हमें 0 नंबर दिए गए। तो इस संबंध में मैनेजमेंट के साथ भी बात की गई और उसमें कई बिंदु बच्चियों ने उठाए थे। बच्चियों ने ये कहा था कि टीचर्स पढ़ाने नहीं आते हैं, टीचर ढंग से तैयारी नहीं करा रहे हैं। हमारी बात हुई, मैनेजमेंट के साथ बात हुई, प्रिंसिपल के साथ बात हुई, उसमें बात ये निकल करके आई, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जो एग्ज़ाम है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम हुए थे, CCTV कैमरे के सुपरविजन में एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम की कॉपियां भी लखनऊ चेक की गई थी, यहां पर चेक नहीं की गई थी। और इस संबंध में हमारी लखनऊ भी बात की, हमने बात की, तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकल के आया कि इनका स्क्रूटनी कराई जाएगी जितने बच्चे फेल हुए हैं। सर, छात्राओं का साफ आरोप है कि जिन विद्यार्थियों ने मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के शराब के नशे में धुत एक युवक ने खेत के भेद पर मजदूरी कर रहे मजदूर को तमंचे से गोली मार कर दी है। साथ ही बता दें कि जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हत्या करने वाले का पता लगाने में लगातार जुटी हुई है। बेवर थाना अंतर्गत नगला पैठ निवासी दीपक आज हरिराम के खेत से आलू निकाल रहा था। इतने में बगल के गांव का शास्त्री उर्फ राधेश्याम यादव आया जो दारू पिए हुए था और किसी बात पे नाराज होकर के दीपक के ऊपर फायर किया, जिससे मौके पे उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में
आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। 3 टीमें गठित की गई हैं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 2 सालों से लूट गैंगस्टर जैसे मामलों में वंचित चल रहा था। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान वंचित आरोपी से पैर में गोली लग गई है, बता दें कि जिससे वो घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने मामले की जानकारी दी है। पूरा मामला थाना बिछुआ के हाईवे कुरावली रोड का बताया जा रहा है। पचास हजार का इनामी दुर्दांत अपराधी निजाम उर्फ टुइया, जो एटा जनपद का रहने वाला है, ये 2020 से डकैती के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर गैंगस्टर में भी वांछित था। अनेकों मुकदमे हैं, विभिन्न जनपदों में इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। काफ़ी दिनों से इसकी पुलिस तलाश थी। आज बिछुआ पुलिस, कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है, उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके अन्य आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है। सर, कुल क्या इसका इतिहास रहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कुछ? अभी इसके लगभग डकैती और गैंगस्टर सहित विभिन्न अनेकों इसके ऊपर अपराध हैं। इसके संपूर्ण आपराधिक कृत्यों की छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और विभिन्न जनपदों में भी इसके द्वारा जो घटना कारित की गई है उस संबंध में अन्य जनपदों को भी सूचना दी जा रही है, जिससे कि इसके संपूर्ण कृत्यों की जानकारी हो सके और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई किया जाए। सर, इनाम के अलावा क्या और भी इनाम? इसके पास से एक तो हमको मोटरसाइकिल में बरामद हुआ है, साथ ही तमंचा मिला है और 50,000 रुपये का इनाम इस पे IG रेंज महोदय द्वारा घोषित था। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गरीबों को मुफ्त राशन वितरण करने का काम कर रहे हैं, वहीं यूपी के सीतापुर में कोटद्वार पर गरीबों को रोटी पर डाका डालने का आरोप लगाया गया है। वहीं सुबह होते ही अपने हक की रोटी के लिए लोग जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल पूरा मामला सीतापुर की सदर तहसील के बड़ा गांव भुजिया गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने कोटद्वार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि राशन नहीं मिलता है, जब मिलता है तो कम मिलता है। कोटद्वार की मनमानी के चलते गांव के लोग परेशान हैं। मामले को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर DM से न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ का मामला है? बड़ा गाँव भुजिया का मामला। यहाँ DM साहब मिले? हाँ रहे। क्या बताए? एप्लीकेशन देने के बाद भेजेंगे। आपका नाम? विजेंद्र कुमार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवराज जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं सीतापुर से। शिवराज, ये क्या मामला है पूरा, जिसको लेकर ग्रामीणों को भी राशन नहीं दिया जा रहा है, DM कार्यालय के चक्कर लगाते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके का ही है, जहाँ पे जो ग्रामीण है बड़ा गाँव भुर्जिया के, तो वो जिला कार्यालय सुबह होते ही पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपनी शिकायत करते हुए बताया कोटेदार के खिलाफ कि हमें जो राशन की दुकान से राशन नहीं मिल रहा है और वो दुकान 3 दिन ही खोली जाती है। दूसरी चीज, जो दुकान कोटा मालिक है वो मतलब उसकी कहीं ना कहीं दबंगई साफ नजर आ रही है, क्योंकि जो राशन की है दुकान, उसको राशन क्यों नहीं वो दे रहा है गरीबों को, क्योंकि प्रधानमंत्री राशन देने का काम कर रहे हैं और वही कोटेदार जो है उसकी दबंगई सामने आ रही है। शिवराज, इस दिन इस दौरान ग्रामीणों ने कोटेद्वार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके हक का राशन जो है उन्हें नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए कि जहां बात की जाए कोटेद्वार की, तो कोटेद्वार की साफ इसमें दबंगई नजर दबंगई कही जाए या जो भी इसकी मनमानी कही जाए तो वो साफ नजर आ रही है। इसी को लेकर ग्रामीण परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इसकी शिकायत की। इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है?
बिल्कुल देखिए, जिलाधिकारी को जब शिकायत दी गई है तो उनकी तरफ से एक जांच कमेटी गठित की गई और जांच की जा रही है। चलिए शिवराज, आप बने रहिए हमारे साथ और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस मामले को लेकर जानकारी देने के लिए। और बता दें कि जहां तक बताए दे सीतापुर का यह मामला है जहां पर ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें कि इसको लेकर उन्होंने न्याय को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक सीतापुर में एक और बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे के दौरान बता दें कि बस अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे तालाब में जाकर पलट गई, जिसके बाद से बस में सवार 35 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला जो है वो रेउसा इलाके के इटोरी गाँव की पुलिया के पास का बताया जा रहा है। सभी यात्री सीतापुर जनपद के निवासी है। सीतापुर के छत्तीसगढ़ मजदूर काम करने जा रहे थे और गांव से निकलने वाली थोड़ी दूर पर बस जो है वो पलट गई, जिसके बाद से चीख पुकार मच गई। और साथ ही बता दें कि यहां पर जो घायल है उनको अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने कोतवाली देहात और साथ ही नेपालपुर चौकी में चंद कदमी की दूरी पर एक घर को निशाना बनाया है। नेपालपुर निवासी धर्मेंद्र के भवन का ताला तोड़कर चोरों ने वहां के 2.5 लाख की नगदी और साथ ही कीमत के दवा पर हाथ साफ किया है। बता दें कि धर्मेंद्र के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। धर्मेंद्र ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है। उसके बाद से पुलिस ने अब तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोतवाली देहांत पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ललितपुर जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहला मामला ललितपुर शहर कोतवाली अंतर्गत ग्राम काला पहाड़ का है, जहां पर बता दें कि व्यक्ति को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वही दूसरा हादसा ललितपुर जिले के थाना महरौनी अंतर्गत ग्राम कुआ घोंसी का बताया जा रहा है, जहां पर एक ट्रैक्टर ने 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया और जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।